ये सेंसर कार का इंडिकेटर है, इसको कंप्यूटर के साथ भी अटैच करना है और इसकी सबसे पहले सेटिंग देखते हैं। इंडिकेटर को ऑन करना है और F6 का बटन दबाना है। सेंसो कार मॉडल है SC830, इसका मॉडल है। कंप्यूटर को इंडिकेटर के साथ किस तरीके से कनेक्ट करना है, कंप्यूटर के कनेक्शन, इंडिकेटर के साथ कनेक्शन, उसके अलावा हम देखेंगे कि किस तरीके से लोड सेलों को जंक्शन बॉक्स के अंदर कनेक्ट करते हैं, जंक्शन बॉक्स की कलर कोडिंग, जंक्शन बॉक्स में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इन सब के मुताबिक कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक मुकम्मल देखते रहिए। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यह कहता चलूं कि हमारे चैनल में हर तरह के वेइंग स्केल की कैलिब्रेशन, वेइंग इंडिकेटर की रिपेयरिंग, लोड सेल रिपेयरिंग, हर तरह के इंडिकेटर की कैलिब्रेशन, लोग वेइंग स्केल में किस तरह से चीटिंग करते हैं, वेइंग स्केल की प्राइस, और आप लोगों को वेइंग स्केल से रिलेटेड किसी किस्म का भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग हमारे से यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में न्यू हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर फौरन क्लिक करें और साथ साथ बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए नोटिफिकेशन के ऊपर भी क्लिक करें। उससे यह होगा कि हम जो भी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को फौरन मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हासिल हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम लोग जो आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं हमें पता लगे कि आप लोगों को इससे फायदा भी हो रहा है या नहीं। तो चलें दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। ऑन करने के बाद F6 का बटन दबाना है। इसका सेंसो कार का इंडिकेटर है, लोड सेल डिजिटल लोड सेल इसमें लगे हुए हैं, इसका मॉडल है SC830, इसका मॉडल है। F6 का जब बटन दबाएंगे तो ये कैलिब्रेशन मोड में चला जाएगा। ये सबसे ऊपर देख रहे हैं, ये कैलिब्रेशन है, ये वेट ऑप्शन है, ऑप्शन लैंग्वेज होम कोड की सेटिंग चेंज कर सकते हैं, और ये सारे नीचे ऑप्शन शो कर रहा है। अगर हमने वेट में जाना है तो हमने ये एरो की मदद से ये वेट ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, होम पोर्ट हम चेंज कर सकते हैं, ये ऑप्शन आ रही है, लैंग्वेज आ रही है, ये मैप इन्फो पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन एग्जिट और ये कैलिब्रेशन आ गया। सिंपल जब कैलिब्रेशन हमने करनी है तो कैलिब्रेशन पे ला के हमने ये एंटर के बटन को प्रेस करना है। जो भी वजन यहाँ पर हम लिखेंगे वो यहाँ पर हमने कीबोर्ड की मदद से हमने लिख देना है, और लिखने के बाद गाड़ी ऊपर चढ़ाने के बाद हम एंटर करेंगे तो इसकी कैलिब्रेशन हो जाएगी। अभी जो बंदा ऊपर नीचे हो रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी वेट जो है हाइपर टर्मिनल में चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी चेंज हो रहा है और यहाँ पर भी चेंज हो रहा है। अभी बंदे ऊपर नीचे हो रहे हैं इसके ऊपर। तो ये सिंपल इसकी कैलिब्रेशन की सेटिंग है। उसके बाद हमने यानी सेव कर देना है। कैलिब्रेशन करने के बाद अगर मेन मेन्यू में आना है, ये F6 की मदद से मेन मेन्यू में आ गए, ये F5 की मदद से हमने एग्जिट चले जाएंगे। जब एग्जिट जाएंगे तो ये वेइंग ऑप्शन मोड में आ जाएगा, और वेइंग ऑप्शन मोड में मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि ये ज़ीरो शो करेगा, और फिर हैपर टर्मिनल पे भी वजन चेक कर लेंगे। ये यहाँ पे भी ज़ीरो शो कर रहा है और यहाँ पर भी ज़ीरो शो कर रहा है, ये ज़ीरो शो कर रहा है, यहाँ पर भी ज़ीरो शो कर रहा है। दो पे ग्रीन, तीन पे ऑरेंज है और पांच पे ब्लैक है, यानी दोनों साइड पे फीमेल कनेक्टर लगेगा और कंप्यूटर में भी सेम, यानी इंडिकेटर में जो है ग्रीन जो है वो 3 पर आ जाएगी, ऑरेंज जो है वो 2 पर आ जाएगी, ब्लैक 5 पर ही रहेगी। कौन से कलर कोडिंग कैसे लगी? ग्रीन है, फिर व्हाइट है, फिर ब्लैक है, फिर शेड है, टोटल 5 आ रही है। कितने लोड सेल हैं? 8 लोड सेल है टोटल। वो जंक्शन बॉक्स के अंदर कितनी यानी वो कनेक्टर लगे हुए हैं? जंक्शन बॉक्स में 9 कनेक्शन होंगे टोटल, एक मेन का और 8 लोड सेल के। ठीक है। और एक लोड सेल के अंदर कितनी वायर है? एक लोड सेल में 5 वायर है, एक शील्ड वायर है, एक न्यूट्रल है और 3 फेस है वर्किंग के। नहीं, 2 एक्साइटेशन के हैं, 2 सिग्नल के हैं, 2 वोल्टेज के हैं, 2 यानी सिग्नल वो जाते हैं। ठीक है।
उसके अलावा एक अर्थिंग वायर है, पांच है टोटल। ये जंक्शन को थोड़ा नज़दीक करके दिखाओ। ठीक है,